रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैबा की किचन के साथ मैं हूं फौजिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में और मेरी रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूं वो है चिकन नूडल्स बॉल। और चिकन नूडल्स बॉल बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ब्रेड लिए हैं, 5 स्लाइस हमने ब्रेड के ले लिए, 1 एग, 1 कप हमने नूडल्स बॉयल करके रख लिए हैं, 1 अदद हमने प्याज लिए, इसको हमने बारीक काट लिया है, चिकन बॉयल किया हुआ 1 कप, धनिया और पुदीना 2-2 चम्मच, ब्रेड क्रम्स हमने लिया है इसमें 1/2 कप, ज़ीरा हमने लिया है 1/2 टीस्पून, नूडल्स मसाला हमने लिया है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर वो हमने लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और पिंच ऑफ काला नमक, मायोनीज़ हमने लेनी है इसमें 2 टेबल स्पून। ये होममेड हमारी मायोनीज़ है, आप लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ऑयल हमने लेना है फ्राइंग के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल हम लेना है, इसके अंदर हम ये बॉयल अपना और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करते हैं, साथ ही हम इसमें ये नूडल्स ऐड कर देते हैं और अनियन, धनिया पुदीना और जितने हमारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो ऐड करने हैं। और एक बाउल में हम पानी लेके इस तरह से अपने ब्रेड को सोक करके और इस तरह से इसको हमने सारा वाटर निकाल देना है प्रेस करके अच्छा सा, देखिए इस तरह से। और ये भी हमने इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले में। इसी तरह से हमने सारे स्लाइस ऐसे ही सेम टू सेम करने हैं। से हमने इसमें ब्रेड भी ऐड कर दिए। अब इसे आपने अच्छे से हैंड से मिक्सअप कर लेना है। ये हमारे रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है, आप लोग इस अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ऐसे इसे अच्छा सा आपने मिक्सअप कर लेना है कि ये फुल मिक्स हो जाए। ये देखिए आप ऐसे। और इसमें हम ये 2 टेबल स्पून अपनी मायो भी ऐड कर देंगे ऐसे। और इसको भी अब हम इसके साथ अच्छा सा मिक्सअप कर लें। देखिए ये इस तरह से मिक्सअप हो गया। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और आप रमज़ान में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के हमारे बॉल्स बनते हैं। तो मैं आपको इसके बॉल बनाना बता दूँ। हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सअप हो गए, अब हम इसके बॉल बनाते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे से ये ले के और ऐसे आपने इनके बॉल रेडी कर लेने हैं। साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। इस तरह से देखें, ये इस तरह से आपके बॉल बन जाएंगे। इसी तरह से आपने सारे बॉल अपने बना लेने। देखिए ये हमारे बॉल्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं जो हमने एग लिया था, एग लेते हैं और एग के अंदर हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं और इसको बीट कर लेते हैं। इस तरह से अब हम एक ये बॉल लेते हैं और इसे पहले हमने ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखें ऐसे, जब ये अच्छे से इसमें कुक हो जाएगा फिर हमने एग में से कोट करना है। ये देखिए, और अगेन ब्रेड क्रम्स में ये बस ये कोट हो गया। और इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और ऐसे ही हमने सारे अपने बॉल्स को कर लेना है। ये देखिए इसे अच्छे से कोट करके, और ये फिर मैं अब आपको सारे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो हमारे बॉल्स बनके रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। और आइए मैं अब आपको बताती हूँ इन्हें हमने फ्राई किस तरह करना। गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इस तरह इसमें ये अपने बॉल्स ऐड कर देंगे। ये देखिए आप ऐसे, और इन्हें हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, हमने इसको टर्न आउट कर दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मज़े से इन्जॉय कर सकें हमारी रेसिपीज़। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हो गया, हमने इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसे देखें टर्न कर रहे हैं और मैं अब आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ निकाल कर। देखिए हमने अपने
ये चिकन नूडल्स बॉल्स को सर्व कर दिया है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। देखिए इनके बहुत प्यारा ये लग रहे हैं और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा इन्हें। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। नई रेसिपी लेके आऊँगी आप सबके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।